भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी, पूर्व मंत्री जूली साहब और सावरलाल जी, आपके क्षेत्र के लाडले विधायक श्री अजय सिंह जी, हबीब साहब, राजपाल सिंह जी शेखावत, बनवारीलाल जी, जिला प्रमुख बिंदु चौधरी जी, जिला अध्यक्ष हरीश कुमार जी, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सब जो भी पदाधिकारी हैं पार्टी के आजू बाजू बैठे हैं उन सबको, नेतागण, माताएं बहने, सबसे पहले आपको प्रणाम करूंगी। और मेरे सामने बैठे हुए इसका भाई और शुक्रगण, आज के कार्यक्रम में आप लोगों को मैं प्रणाम करके आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतनी संख्या में आके आप लोगों ने अपना प्यार जताया। प्यार ही है जिसके पीछे हम लोग कायम हैं। आप प्यार देते हो और हम लोग बिल्कुल आपके ऊपर मरने की तैयारी में रह जाते हैं। आप किसी तरीके के आशीर्वाद और प्रेम देते रहोगे तो इससे बड़ा हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस प्यार के ही भूखे हैं। ये प्यार आप देते रहोगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे और राजस्थान को विकास की तरफ आपकी मदद के साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। बेगाना की संकट, अभी ये मेरे पहले अजय जी बोले, डेगाना की पानी की संकट अकेले डेगाना की नहीं है, पूरे नागौर जिले के अंदर डेगाना जैसे पानी का जोरदार संकट सब दूर है। जिन जिन गांव में से गई, हर एक जगह पे माताओं बहनों ने मुझे रोक के सबसे पहले मेरे को पकड़ के मेरे कान में बोला, पानी का प्रश्न। यहाँ की महिला जोर से चिल्ला के नहीं बोलती, वो बुलाती है घूमने के नीचे से कान पकड़ के और कान में बोलती है कि हमारा पानी का इंतजाम करो। माताएं बहने, 761 करोड़ रुपए की स्कीम मैंने नागौर में ला के छोड़ी थी। वायदा किया था 2003 में कि आपको मीठा पानी, हिमालय का पानी पिलाएंगे और 2008 में ये पानी पिला के हमारी सरकार गई थी। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वायदा तो वायदा पूरा करने का काम हमारी पार्टी और हम लोग सब ने मिलकर किया। ये 4.5 साल निकल गए, इतना पैसा, सबका इंतजाम और 1400 गांव पूरे नागौर के अंदर, सबको आज दिन तक मीठा पानी मिल जाना चाहिए था। ये तो शर्म की बात है कि आज दुनिया का पर्यावरण दिवस है और दुनिया के पर्यावरण दिवस के अंदर जयपुर के अंदर ये कहा जाता है कि जयपुर के अंदर जो लोग पानी पी रहे हैं वो पूरी तरीके से दूषित है। जयपुर के अंदर दूषित पानी लोग पी रहे हैं तो आप लोगों की क्या स्थिति हो सकती है, आप बताइए। कोई किसी को चिंता नहीं है कि सांजू 20 किलोमीटर दूर से आप लोगों को टैंकर के द्वारा पानी यहाँ लाना पड़ता है और लोगों के बीच में देना पड़ता है और हजार हजार रुपए लोग टैंकर के ऊपर खरीद मैंने पैसा दे दे के और टैंकरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आज 60-65 साल के बाद हमारी मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं मिल रही। मैंने सबको ये कह दिया कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो सबसे पहले शुद्ध पेयजल आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। पूरे नागौर को पानी पिला के मैं छोड़ूंगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। उसके साथ बिजली का घोर समस्या, मैं सबको कह दिया कि पहली दफा राजस्थान के अंदर हमने 2 बिजली की लाइन दी, एक बिजली की लाइन जो 3 फेज थी जो किसानों के लिए हमने की और एक बिजली की लाइन अलग से महिलाओं के लिए घरेलू बिजली एक सिंगल फेज लाइन के हिसाब से आपको देने का काम किया। 2007 आठ के अंदर आप तक वो बिजली पहुंची और मैंने ये कोशिश की कि ये बिजली के द्वारा आपको घर के अंदर मशीन चलाने का काम हो, बच्चों को पढ़ाने का काम हो, घर में ठंडक हो, बाहर से लोग आते हैं तो आपके घर के अंदर आराम से बैठ सके, ऐसी स्थिति आपके लिए करके दी। और ये कोशिश की कि मेरे जाने से पहले आप लोगों को 18 से 20 घंटे बिजली मिल जाए और अभी तक सरकार होती तो हर एक घर के अंदर घरेलू बिजली का आराम से 24 घंटे बिजली मिलने का बात होती। और मैं वादा कर रही हूँ कि ये काम करूंगी मैं कि आप लोगों को घरों के अंदर 24 घंटे बिजली मिलेगी, सिंगल फेज की बिजली मिलेगी और ढाणियों के अंदर जहाँ 300-300 घर की बत्तियां हैं वहां भी लट्टू जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अगर दिल्ली की सरकार पैसा नहीं देती है तो हम करके छोड़ेंगे, इसकी चिंता करने की आप लोग को जरूरत नहीं। मैं आपको बताना
आपकी अघोषित कटौती हो रही है। कहा 7 घंटे 8 घंटे आपको मिल रही है, कहा 3 घंटे किसानों को मिल रही है। आज किसान आत्महत्या की कगार पे आके खड़ा हो गया है। अरे भाइयों, मैं पूछना चाहती हूँ किसानों को कि आप लोगों को अपना मुआवजा का पैकेज मिला क्या? ओलावृष्टि के बाद किसी को मिला? जयपुर के अंदर पढ़ने को यह मिला कि आराम से आप लोगों को पैकेज दिया जा रहा है। नागौर में घोषणा हुई, लाडनू के अंदर घोषणा हुई कि वायदा किया है मुख्यमंत्री ने कि आप लोगों को सबको मुआवजे का पैकेज मिल जाएगा। मैं जहां जहां पूछ रही हूं सब हाथ ऊपर करके मेरे को कहते हैं कि नहीं मिल रहा है। आपको मिला? सहकारिता की तरफ से आप लोगों को 1,20,000 के लोन मिलने के हैं और उन लोन के साथ साथ बिना ब्याज का पैसा आपको मिलेगा। किसी को मिला? आपको बीज समय पे नहीं मिलता, आपको पानी समय पे नहीं है, बिजली समय पे नहीं है, खाद समय पे नहीं है। और किसान जब बाजार में अपना मूल्य लेने के लिए जाता है तो उसको वहां भी उसकी मुसीबत होती है, वो सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि सब काम आपके किसानों का आयोग द्वारा हम लोग पूरा करना चाहते हैं। किसान का आयोग खड़ा करेंगे और किसानों की डायरेक्ट बात सरकार के साथ हो, ऐसी स्थिति बना के आप लोगों को छोड़ने का हम लोग काम करेंगे। ये भी आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ साथ हमने अपने समय के अंदर रोजगार दिलाने का काम किया था। अपने बच्चों को 10 लाख बच्चों को नौकरी दिलवाई थी, सरकारी और गैर सरकारी। और आज मेरे बच्चे ये कह रहे हैं कि एक परीक्षा है टेस्ट की वजह से हम लोगों को सही तरीके से नौकरी मिलने का काम नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि टेस्ट वेस्ट सब हटाया जाएगा और जिस तरीके से पहले हमने नौकरी दिया करते थे उसी तरीके से नौकरी देने का काम हम लोग फिर से करेंगे। राजस्थान का भला हो, राजस्थान के एक नया राजस्थान बने, एक ऐसा राजस्थान बने जैसे गुजरात के अंदर किसी को अब जोर चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। 15 साल के अंदर गुजरात नक्शे पे आ गया, मध्य प्रदेश नक्शे पे आ गया और 55 साल के बाद हम इस तरीके से गड्ढे में पड़े हुए हैं। ये कितनी मुसीबत की बात है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि इस नए राजस्थान के अंदर नई व्यवस्था अपन बनाएंगे और जिन लोगों को हमको इस तरीके से गड्ढे में डाल के रखा है उसको उस कुर्सी से उतार के दिखाएंगे कि हमारी सरकार एक अलग सी सरकार होगी, जनता की सरकार होगी और जनता का काम करने में माता बहन भाई सब लोग मिलकर करेंगे। क्या ये आपको मंजूर है? आपके दो तीन छोटे काम और हैं। मैं तो समझ में नहीं आता ये नाम ले क्यों रहे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये तो ऐसे ऐसे काम है कि जल्दी जल्दी सरकार कर देती है। अरे नगर पालिका की जरूरत है अगर, और आप लोगों की उसकी संख्या है और यहाँ इतनी गंदगी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता। एसडीएम हेडक्वार्टर है और फिर भी इतना गंदगी होना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और नगर पालिका होने की जरूरत है तो फिर क्या मुसीबत है? इतना कोई बड़ा काम नहीं है कि हमको तारे तोड़ के लाने की जरूरत हो रही है। इसी सरकार आएगी इसको भी ध्यान देगी जैसे आपके कॉलेज को ध्यान देगी। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे बड़े हो, होनहार होके हमारे राजस्थान को प्रगति के पथ पे ले जाए। इन सब चीजों को पूरा करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, परंतु अगर सब लोग उसमें मिल जाते हैं, पूरी 36 से 36 को और सब संगठन और सब मतलब ये अगर सब मिल जाते हैं तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप लोगों का कोई भी विकास का कार्य ऐसा नहीं है जिसको कोई भी रोक सकता है। अभी तक कांग्रेस वालों ने हमेशा लड़ा लड़ा के आप लोगों को जातियों को अलग करके मजहब को अलग करके आपके वोटों के ऊपर कब्जा बनाया रखा। इसलिए आज 55 साल हो गए और इस स्थिति में हम लोग पड़े हुए हैं। परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि अब फिर 4 महीने के अंदर वो समय आ रहा है। क्या उस समय के अंदर जब ये रेवड़ी बांटेंगे, जब आपको डराएंगे, जब आपको धमकाएंगे, आपकी इतनी हिम्मत होगी कि ऐसे सरकार के खिलाफ करने की तैयारी आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होगी? होगी? डराएंगे, हमारी पार्टी को भी डराया, गुलाब जी के पीछे लग गए, सीबीआई को खड़ा कर दिया, बंद करने की तैयारी कर ली। और मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी मक्खी को हाथ नहीं लगाया है, कभी किसी चींटी को हाथ नहीं लगाया है, ऐसे व्यक्ति के पीछे अगर सीबीआई पड़ जाए तो पूरा राजस्थान जानता है कि वो क्या कर रही। इतना मैं कह दूं
कि चाहे गुलाब जी हो, हमारे कार्यकर्ता हो और आप हो, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके लिए लड़ेंगे। बूंद 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 आप ही का है, इस परिवार का है, इस परिवार को पूरी तरह से आगे ले जाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी करेगी। और फिर ये मेरा परिवार है, इस परिवार ने चला चला के मुझे चुंदड़ी उड़ाई, इस परिवार ने चुड़ा चला के मेरे को गले से लगाया। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि कहीं तो मैं किसी की बहू हूँ, तो कहीं तो मैं किसी की बेटी हूँ, कहीं कहीं मैं संघर्ष भी हूँ। और मैं कहती हूँ कि अगर मेरे और ज्यादा बेटे होते तो मैं मालूम कि कितने लोगों को इसके साथ और जोड़ लेती, तो हमारा एक पूरा ऐसा ही परिवार बन जाता जिसको राजस्थान में आगे ले जाने का काम कर सकती। आपने चुंदड़ी फैलाई और उस चुंदड़ी की लाज हम लोगों ने रखी। आज दिन तक आपको कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग आपको कभी नीचे नहीं देखने देंगे। याद रखना कि ये राजस्थान का आदमी भले ही गरीब होगा, परंतु वो अपने स्वाभिमान और इज्जत के पीछे मरता है। और इसीलिए अगर कोई भी सरकार, कांग्रेस की सरकार, हमको दबाने की कोशिश करेगी, हमको लुभाने की कोशिश करेगी या हमको डराने की कोशिश करेगी, हमारी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, तो उसके खिलाफ पूरा का पूरा राजस्थान, उसके 36 के 36 गांव सब मजहब खड़े होके रास्ता दिखा देंगे कि अब हमें समय नहीं है किसी के घर बनाने का, अब हमें अपना घर बनाना है, अपना राजस्थान बनाना है, अपना विकास करना है और इस नए राजस्थान के अंदर हम सब शामिल है। क्या ये सही है? हम अपने राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में हैं। आप देख सकते हो पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हो? आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने की तैयारी है? है? और जब भी आएंगे आपके बीच में डराएंगे तो आप खड़े रहने को तैयार हो? तो फिर हम लोग सबको मिलके इस राजस्थान और इस नागौर के अंदर 10 की 10 फीट एक दफा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करना है। हम लोग साथ मिलकर वो काम करें। और मैं सबको इसका विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पूरी पार्टी आपके साथ है, किसानों के लिए साथ है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगी और आप लोग युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ खड़े होकर एक नया राजस्थान और एक नया सपना बनाने की तैयारी करेगी। आप लोग सबको एक जोरदार नारा।